निरंजन जी जी या सर, व्हाट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, आई वुड लाइक टू आस्क, ही कांग्रेचुलेटेड मी दैट यू नो आई एम कॉपिंग द कांग्रेस वर्जन. आई वुड लाइक टू आस्क थ्रू दिस चैनल, वुड मिस्टर एंथनी एग्री दैट व्हाट एवर द फ्रीबीज दैट वर गिवन बाय द कांग्रेस वर रॉन्ग डूइंग्स, विल ही एक्सेप्ट दैट, नंबर वन. नंबर टू, ही एलिज्ड अबाउट वेदर वी आर ट्राइंग टू कॉपी द तेलंगाना वेरियस अदर स्टेट्स. नो सर, वी आर नॉट कॉपिंग एनीथिंग. We are giving the rights which was been planned in a strategic manner. As I think, as Manuji also said, we came out with Ladli Behen. There was a need of such things during this, you know, when we came into power. Before that, when we were together, it's everything was okay. Uddhav Thackeray was okay with giving such kind of things, you know. And as rightly said, you need to understand, it was the Congress government itself, more than 30 years, almost 60 years have been, you know, been Maharashtra has been come into existence. So more than 30 to 35 years, it was the Congress that ruled. And today, what is the situation? You are asking me about the farmers' issues. Mr. Sharad Pawar was the agricultural minister at the center and at the chief minister for more than 3 to 5 terms over here in the Maharashtra. He never did anything for the farmers. And today, he has come up with a evil giant, Mr. Jarange, just to play cards of the, you know, discomfort among the societies. That is what he is trying to. Of course, to, you know, counter such false narratives, we have to counter you. These are our counters. You do it. We are going to checkmate you in this election as in Haryana. ठीक है, मिस्टर शेट्टी, आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि झारखंड के बारे में आपने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कह पाएंगे. महाराष्ट्र में कितना अभी तक जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट है? आगे क्या काम आप करने वाले हैं? इन चुनाव में क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं जो आप सॉल्व करने का वादा महाराष्ट्र की जनता से करना चाहते हैं या करेंगे, या फिर सारा काम हो चुका है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है, 5 साल में ये पूरा पर्याप्त नहीं होता. यदि हम ये मानते कि 2019 में जिस प्रकार 2014 में हमारी सरकार आई और उसके पश्चात 2019 में उस सरकार की गति वैसे ही रहती, तो शायद मुंबई सिटी में जिस प्रकार से हमने मेट्रो के जो जाले बिछाए वो यदि हो जाता तो मुंबई शहर की जो यातायात की समस्या है वो सुलझ जाती. जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने भी ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग एलिवेटेड रेलवेज का एक प्रबंध करेंगे, वो भी शायद यहाँ पर अगर सरकारें सही ढंग से रहती और उद्धव ठाकरे हमसे बैकस्टेप नहीं करते तो पर्याप्त हो जाता. जहाँ पर जलयुक्त शिवार की बात है, जो पूरा हमारा देवेंद्र फडणवीस जी का एक बीबी है, उसको भी हमने यहाँ पर लेके आए. जब जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि खेती में वो गन्ना किसानों के कारण इस प्रकार से वो पानी का जो ये है बहुत कम होता है, तो उस प्रकार से हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की. और यहाँ पर हमने ये भी किया कि किसानों को उनका जो मूल्य है वो भी दे पाए. तो बेसिकली ओवरऑल हमने जो भी उनको, हमने ये भी कोशिश की थी कि उनको औजारे दे, जो उनकी औजारे चाहिए, फिर ये जलयुक्त शिवार, इस प्रकार से पूरे, जहां पर आपने देखा होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, हमने रेलों से पानी को वहां पर लोगों को ड्राफ्ट एरिया में भेजा. मतलब मैं स्वयं उस लातूर एरिया में गया था, जहां पर मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि वहां पर लोगों की विवाह नहीं होते थे, क्योंकि वहां पर एक कप ऑफ सॉसर के भी पानी उनको पर्याप्त. तो ये जलयुक्त शिवार का एक बहुत बड़ा देन था जब इस प्रकार की घटना. तो मुझे लगता है काम बहुत है, अभी पूरा हुआ नहीं है, निश्चित ही हम इसकी और काम कर रहे हैं अग्रसर से. कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी किसान हो उनको हम सुजलाम सुफलाम बनाएं, और भी जितनी भी बातें हैं. लेकिन आज इन्होंने एक द्वेष फैला कर ये जो पूरी हमारी जो संकल्पना है कि भाई हमारे महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाए, कहीं ना कहीं इन्होंने जरांगे जैसे एक भूत को लाकर कहीं ना कहीं इसको रोक लगा. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.